फाइनली आ गए हम यार। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुपर RS3M V2 स्टैंडर्ड मैगलिव और बॉल कोर का। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टाइम क्यों लगा मुझे ये रिव्यू लाने में, लाइक आई थिंक एक महीने से ज्यादा हो गए इसको अनबॉक्स किए। और सेटअप मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, तुम लोगों ने शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम इनको सेटअप कर रहे हैं, मैंने लाइव स्ट्रीम की उसमें मैगलिव वाले को सेटअप किया, बट आखिर रिव्यू लाने में इतना टाइम क्यों यार। तुम लोग दुनिया में किसी का भी रिव्यू देख लो, तीन ही बातें हो रही होती हैं, या तो क्यूब बहुत फास्ट है, या बहुत स्लो है, या फिर स्मूथ है। इसके अलावा कोई लफ्ज इतने, हाँ सैंडी क्रंची फीलिंग है, ऐसे कुछ लफ्ज और भी हैं, लेकिन आज आके बात यही हो रही होती है। तो मुझे, मैं इतने क्यूब्स ट्राई कर लिए थे लाइक ये पिछले एक दो महीनों में कि मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं आखिर इनका रिव्यू क्या बनाऊं। और फजूल में मैं बकवास नहीं था करना चाहता आके कि ये क्यूब ऐसा है, ये वैसा है, जब तक मुझे खुद ही नहीं पता कि भाई असल में क्यूब कैसा है यार, है क्या, तो मुझे कुछ समझ आ ही नहीं थी रही। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि यार बैठ के डीपली इनको ऑब्जर्व करना है, और फिर समझा मैंने कि इनकी टर्निंग क्या है, इनमें ये क्या है आखिर, और आज हम आगे रिव्यू के साथ। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड वाले वर्जन से, बट उससे पहले मैं तुम लोगों को एक और चीज बता दूं, कलर्स इन सब के सेम है, कोई फर्क नहीं है। हाँ अगर तुम लोग ये अंदर कलर देखो ना, तो शायद तुम लोगों को लगे कि ये डार्क है, हालांकि ऐसा नहीं है। तुम लोग यहाँ ऊपर से ऐसे देखो, ये तीनों के कलर्स बिल्कुल सेम है। तो कलर्स सेम है, बात कर लेते हैं वेट की। सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले का वेट करते हैं, 72 ग्राम्स स्टैंडर्ड, मैंने ये आज से पहले वेट नहीं था किया। मैगलिव 79 बॉल कोर, बिल्कुल स्टैंडर्ड वेट है, एक तरह का कह सकते हो। बॉल कोर वाला जरा सा हैवी है, बट इतना कोई फील नहीं होता हाथों में यार। सबसे बड़ी बात, पहले वाले वर्जन में हमें देखने को मिला जो बॉल कोर है उसमें यूवी कोटिंग आपको मिल जाती थी, बट इसमें स्टैंडर्ड में भी यूवी कोटिंग है, मैगलिव में भी और बॉल कोर में भी। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये पूरे क्यूब की फीलिंग को बदल करके रख देती है। एक और चीज, सुपर RS3M V2 का मतलब है कि ये सुपर RS3M जो था उसका सेकंड वर्जन है, जबकि ये मुझे एक बकवास या एक झूठ लगता है। ये है सुपर RS3M, तो इसकी टर्निंग कहीं ना कहीं RS3M जैसी भी है, लेकिन इसकी टर्निंग कहीं से भी सुपर RS3M जैसी नहीं है। ये दोनों अलग क्यूब है, कहीं से नहीं लगते कि ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है जरा भी। बाकी भी वर्जन का यही हाल है, ना ये सुपर का सुपर RS3M मैगलिव जैसा है, ना ये सुपर RS3M बॉल कोर जैसा है। ये बिल्कुल अलग है पिछली जनरेशन के क्यूब से, बल्कि अगर कहा जाता कि ये वर्म V9 के सेकंड वर्जन है तो हम मान सकते थे। ये रहे वर्म V9 हमारे सामने। हाँ अगर हम कहें कि वर्म V9 स्टैंडर्ड का सेकंड वर्जन ये है तो गलत ना होगा, मैगलिव का ये सेकंड वर्जन है, बॉल कोर का ये सेकंड वर्जन है, तो कहीं ना कहीं समझ आती है, क्योंकि इनकी टर्निंग्स कहीं ना कहीं मिल रही, खासकर बॉल कोर वाली टर्निंग मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सिमिलर है। अब स्टार्ट करते हैं एक एक को टर्न करके। ये रहा हमारे पास स्टैंडर्ड वर्जन सुपर RS3M वर्जन 2 का। तो तुम लोग देख सकते हो कॉर्नर कटिंग मक्खन है, मक्खन यार। मुझे पर्सनली स्टैंडर्ड क्यूब बहुत पसंद आया, रिवर्स कॉर्नर कटिंग भी ठीक ठाक है, हाफ पीस कर जाता है, और टर्निंग यार बहुत क्रंची साउंड है। सुनो लॉकअप्स कहीं कहीं आ जाते हैं क्योंकि मेरी टर्निंग इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन यार ये फास्ट स्मूथ और बहुत क्रंची है। ये पहले तो बहुत फास्ट था बॉक्स से जब हमने निकाला था, लेकिन सेटअप के बाद बहुत बेहतर हो गया। लेकिन इसकी जो स्मूथ और क्रंचीनेस मिक्स होती है ना फास्ट स्पीड के साथ, यार ये इसको बहुत अच्छा क्यूब बना देता है। लाइक ये मोयू के सब क्यूब से बहुत अलग है, खासकर यूवी कोटिंग का मिक्सचर एक अलग लेवल है यार। बात करते हैं मैगलिव वाले की, जिसका 77 ग्राम्स वेट है, जरा सा हैवी यूवी कोटिंग के साथ, इसको टर्न कर लेते हैं। यार टू बी ऑनेस्ट मुझे मैगलिव वाला इतना पसंद नहीं आया, बहुत फ्लिम्सी है, बहुत ज्यादा कॉर्नर कटिंग और रिवर्स कॉर्नर कटिंग भी हाफ पीस तो इजीली कर ही रहा है, और कॉर्नर कटिंग ठीक है, टर्निंग भी ठीक है, बट मुझे बहुत फ्लिम्सी लगी, बहुत फास्ट लगी। मुझे मैगलिव वाला इन शॉर्ट पसंद नहीं आया। पता नहीं ये किन लोगों के लिए इतनी
टर्निंग बहुत फास्ट है यार। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा ल्यूब डाला था इसको स्लो करने के लिए, बट स्टिल बहुत फास्ट है। पता नहीं मैं इसको ठीक से सेटअप नहीं कर पाया, हालांकि सेटअप मैंने एंगस्ट्रम का किया था, लेकिन यार कुछ है इसका ना मसला। बात करते हैं बॉल कोर वाले की। यार बॉल कोर वाला कुछ अलग लेवल की चीज है। बॉल कोर वाला ऑलमोस्ट सेम है टर्निंग, लेकिन इतनी फ्लिमजी नहीं है इसकी टर्निंग, और क्योंकि ये बॉल कोर है तो कहीं ना कहीं ये मजीद स्टेबल बना रहा। हालांकि ये मैग्नेट्स इतने स्ट्रांग फील नहीं होते जितने वर्म वी नाइन बॉल कोर के थे, लेकिन फिर भी ये क्यूब को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरा सा दूर से स्टेबल बनाता है। और ये क्यूब बहुत एक शेप में है, जैसा मैं अक्सर वीडियोज में बोलता हूँ, टर्निंग बहुत लाइट है। ओवरऑल ये बहुत प्रोफेशनल्स के लिए ऐसा फील होता बनाया गया कि जो बहुत प्रोफेशनल क्यूबर्स हैं वो शायद इसकी टर्निंग को संभाल पाए, मैं तो नहीं संभाल पाता यार। कॉर्नर कटिंग की बात कीजिए तो स्नैपी है, बट कॉर्नर कट्स अच्छे कर जाता है। आजकल हर क्यूब की ही कॉर्नर कटिंग तो अच्छी है, उसकी तो बात करना ही फजूल है। बाकी दो वर्जन को तो हम नहीं छेड़ेंगे, बट हम ये वर्म वी नाइन बॉल कोर और सुपर आरएस 3M का वी टू बॉल कोर, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। इनको अभी बाहर रखते हैं। मैं एक दफा फिर बता दूं, MFJS का लोगो जिसपे है वो है सुपर आरएस 3M वी टू का बॉल कोर वर्जन, और जिसपे ये MOU का लोगो है, ये एक्सा बना हुआ, ये वो है वर्म वी नाइन जो बहुत टाइम पहले हमने अनबॉक्स किया था, वर्म वी नाइन का बॉल कोर वर्जन। अच्छा इनका वैसे आज हम रिव्यू कर रहे हैं ना, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को चीज दिखाता हूं। सबसे पहले ये देख रहे हो तुम लोग, इसके मैग्नेट्स अच्छे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हो ठीक से अलाइन नहीं कर पा रहे, मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है, मीडियम स्ट्रेंथ है। जबकि इसको देखना, कुछ फील हुआ, आगे जाके भी वापिस आता है, ये तुम लोग देख सकते हो। इसके मैग्नेट्स बहुत स्ट्रांग है यार, और ओवरऑल टर्निंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम आप लोग कह सकते हो, लेकिन इसमें तुम लोगों को मैग्नेट्स थोड़े से स्ट्रांग मिल जाते हैं, और इसकी टर्निंग बहुत फास्ट है। लाइक वर्म वी नाइन को जरूरत से ज्यादा ही फास्ट है, ऐसा लगता है वर्म वी नाइन बॉल कोर की जो कमी है ना वो इसमें पूरी की गई है। लाइक इसके बहुत मैग्नेट्स स्ट्रांग थे तो इसके मैग्नेट्स को जरा मीडियम कर दिया गया, और ये बहुत फास्ट था, इसको थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा कंट्रोलेबल बनाया गया, बस ऐसा फील होता है। हालांकि ज्यादा मैग्नेट्स हो तो तब कंट्रोलेबल होता है, बट ये स्टिल इसके मैकेनिज्म में ऐसा कुछ है या क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके पीसेस देख सकते हो कलर्स के हैं, जबकि इसके यहाँ पे भी सारा वही कलर है इंटरनल्स का, तो मुझे नहीं पता वर्म वी नाइन क्यों इतना फास्ट है स्टिल, हालांकि इसकी आवाज भी सुन रहे हो। खैर इन शॉर्ट यार ये क्यों मुझे ऐसा फील होता है सुपर आरएस 3M V2 बॉल कोर के प्रोफेशनल्स के लिए है। अब है फाइनल थॉट्स की, मैगलिफ को बाहर कर देते हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता, मुझे कोई इतना मजा नहीं आया। हो सकता है मैंने सेटअप ठीक ना किया हो या मेरी टेंशन ठीक ना हो, बट मुझे इसका इतना मजा नहीं आया। बॉल कोर और स्टैंडर्ड वर्जन, मुझे इनका बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा मुझे स्टैंडर्ड वर्जन का मजा आया। इसकी जो एक क्रंची और स्मूथ फीलिंग है और उसके साथ फास्ट, वो बहुत मतलब मैं इंजॉय करता हूँ उसको। और बात करते हैं बॉल कोर की, ये तो बनाया ही गया भाई प्रोफेशनल्स के लिए, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ओवरऑल बहुत अच्छा क्यूब है, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब तुम लोगों को पता लग गया होगा, तुम लोगों ने अगर ये लेना है ना स्टैंडर्ड वाला तो लो, तुम लोग कभी पछताओगे नहीं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले की प्राइस बता देता हूँ। क्यूबिकल पे ये प्राइसेस हैं, ये है $27 का स्टैंडर्ड वर्जन, मैगलिफ है $35 का, और बॉल कोर है $48 का, जो कि वर्म वी नाइन से हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है प्राइसेस में। हालांकि आरएस 3M की जो सीरीज है वो बजट क्यूब्स बनाती है और उसकी तरफ ज्यादा इनका फोकस होता है, इसलिए इसका नाम अगर ये वर्म वी नाइन वर्जन 2 रखते तो कहीं ना कहीं बेहतर था, क्योंकि वर्म वी नाइन से भी ये महंगे हैं। बट ऑब्वियसली तुम लोग स्टैंडर्ड वर्जन लो, वर्थ है, मुझे ऐसा फील हुआ। बट इसको सेटअप करोगे तब ये फीलिंग आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स ये बहुत फास्ट है, तुम लोग इसको फेंक सकते हो उठा के। जाने से पहले हम अपनी रस्म कैसे भूल सकते हैं, हम करेंगे इन तीनों पे एक एक सॉल्व, क्योंकि वैसे PLL को स्पैम करना और सॉल्व करना एक्चुअल दोनों में टर्निंग का फर्क होता है, तो तुम लोगों को मैं चाहता हूं हर तरह से दिखा दूं। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व एक एक, लो भाई अब तुम लोग देख लेना, मैं फास्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि इसकी टर्निंग कैसी है और आने वाले अगले क्यूब्स की टर्निंग कैसी है। यार ये एंगल ले बैठा 13.1 मैगलिव,
लो भाई यार ये बहुत फास्ट है। और इसके मैग्नेट्स भी मैंने अभी फील किया कि बहुत ही लाइट है, लाइक इतने इतने फील नहीं होते मैग्नेट्स। बॉल कोर लो जी। यार ये क्यों प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया मजाक के अलावा, इसके लिए एक्यूरेट ट्रेंडिंग की कहीं ना। ओ 10.7 नाइस यार। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं रिव्यू खत्म। अगर रिव्यू अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट बनता है सब्सक्राइब, और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ही दबाना है तुम लोगों ने। सब्सक्राइब यार।